मु सुभदीप राज आपण मानको स्वागत जणुछि ओडिसा रो नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी क्लासेस को। आज हमर इंग्लिश रो फर्स्ट क्लास जेमती कि आम प्रथम क्लास रे इंट्रोडक्शन क्लास रे कथा आइतिले जे आमे कॉम्प्रिहेंशन को स्किप करि दबा, तेणु आपण माने देखि पड़थु मु 16 नंबर रे अछि, कारण 1 रु 15 जो थिला सेटा पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन थिला, तो आमे ताको स्किप करि दैछे और 16 नंबर रु स्टार्ट करिबा आज आमे। तो आपण माने देख पाथुए आंसर भी दे सब दे दैछि, देखो तो एठी गोटे क्वेश्चन तार आंसर बी दे दैछि, किंतु आंसर तो आपण माने देखि पाछथि, किंतु तार रीजन तार को रूल बसुछि ताहा मध्ये मु आपण मानको जणैबी। तो चालंतु आजिरो क्लास स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे डायरेक्शन गुडा पढ़ी दवा, रीड ईच सेंटेंसेस 16 टू 25 जाय अछि, रीड ईच सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर और इडियोमेटिक एरर इन इट। तो किछे हमको एरर देइछे सेंटेंस गुडा रे, तो हमको ताकू बाछिया पई पड़िबो। तो 16 नंबर स्टार्ट करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि, तो फर्स्ट क्वेश्चन अछि, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलीव्स दैट द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड दैट एंड दैट इट इज द राइट टाइम टू बाय द शेयर्स बाय शेयर्स। तो एठी हमको आंसर दे दीजी जे एटा बी हबो, तो काही बी को हमें टी मार्क कर दबा, काही कि ताहा हबो हमें टी देखिया। तो आंसर देइछि जे आंसर बी हबो, तो आंसर जो बीटा अछि एटा कोन अछि, द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड। तो एटी भूल कोन अछि ना, भूल अछि इज रे, भूल अछि इज रे, तो इज जगह रे कोन बसिबो ना हैज बसिबो, हैज काही बसिबो ना स्टॉक मार्केट अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हैज बसिबो, किंतु हैजटा काही कि बसिला आमे सेटा बुझिबा व्हाइट बोर्ड रे। तो आमे व्हाइट बोर्ड को आसी जे, तो आमर आंसरटा होबार थिला हैज, एटा ग्रे हि जेछि गोटे सेकंड, तो आमर कोन हबो ना हैज हबो। तो हैज काही कि बसिबो आ आमे हैज केते बेले व्यवहार करू, तो हैज जो आमे व्यवहार करू छे कि कोनसी भार बा करू, आमे हैज एठी यूज करू छे भार बा करू, तो आमे हैज भार भागरु केतेबेले यूज करूचे, जेतेबेले आमे जदि कोनोसी गोटे एक्शन को डिस्क्राइब करूचे जे एक तो सेटा प्रेजेंट रे हबाकू जाउची किंबा हबो किंबा पास्ट रे एक तो हबाकू जाउची हबो और अदरवाइज सेटा एबे भी चालीची। आ जेतेबेले आमे हैज की हैव यूज करू कि हैव मध्य यूज करू भार भागरु, तो आमे जो भार्बटा यूज करता है तो भार प्लस ईडी हो जाए, तो सेथिपाय जो सेठी बसी थिला इज रिकवर्ड जगह हैज बसी गले जो रिकवर्ड अच्छी रिकवर्ड रे ईडी बसी, तो ईडी तो बसी गला, तो एटा आमे काही की यूज करूचे, तो आमे हैज आउ हैव जो यूज करूचे खास करी एई भलिया सेंटेंस रे, एई सेंटेंस रो कंस्ट्रक्शन टा जो रही सेंटेंस रो कंस्ट्रक्शन टा जो रही सेटा होची प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट केस रे आमे भार बागोरू कौन यूज करू ना हैज किंबा हैव आमे यूज करूछे, तो एही क्षेत्र रे जो प्रेजेंट परफेक्ट क्षेत्र रे हैज किंबा हैव बसिबो, और से जे आम क्वेश्चन टा थिला इज रिकवर्ड जगह रे हैज रिकवर्ड हेइजिबो। तो मु आशा करू जे तुम ए क्वेश्चन टा बुझी पारथो, आमे जिबा वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एबे आमे आसीबा 17 नंबर को, 17 नंबर कोन अछि ना, सीमास न्यू ऑफिस इज क्लोज टू हर रेसिडेंस सो शी विल नॉट लॉन्गर हैव टू ट्रैवल बाय ट्रेन। तो एठी हमको आंसर कोन देइछि ना, आंसर हबो सी, तो सी को हमें टिके मार्क करिबा, तो सी रे कोन अछि, शी विल नॉट लॉन्गर। तो तुमको प्रथम रु डायरेक्शन रे देइछि जे किछि इडियोमेटिक एरर भी रहितो, माने किछि मूर्ख लोक मानकर छोट छोट भूल, माने मूर्ख लोक त नय केहि केबे मूर्ख न तांती साधारण भूल पे मूर्ख डाकि दो किछि साधारण भूल।
तो सी विल नॉट लॉन्गर देछि तो नॉट केबे बसिबनी कारण इडियोमेटिक एरर हिसाब रे एठी बसिबो नो एटा गोटे साधारण एरर थिला तो एटा बुझेबार किछि नै तो आबे आमे जबा 18 नंबर क्वेश्चन को तो 18 नंबर क्वेश्चन कौन देछि इन द प्रेजेंट गाइडलाइंस द बैंक इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन हु विशेस टू ओपन एन अकाउंट एठी भी कौन देछि आंसर ना एठी भी आंसर सी होबो तो सी कौनटा देछि तो सी कौन देछि ना ए फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन तो एटा रे कौन भूल अछि तो एठी हमको आंसर देछि आंसर होबो सी तो सी को हमें टिके अंडरलाइन कर दबा ए फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन रे भूल अछि तो भूल कौन अछि ना एनी पर्सन तो जे भी लोक बैंक को जीव सी निहाती तो खुलिबो ना गोटे अकाउंट जहाँ को भी दरकार थी बैंक को लोक प्राय कौन पाई जाती जा अकाउंट खोलिया पे तो एनी जगह रे बसिबो दी कारण एई सेंटेंस टारे फर्स्ट टाइम पाई के गोटे पर्सन को माने जे कोनसी पर्सन को माने इंगित कराई छी जे एई पर्सन पाखरो आमे गोटे फोटोग्राफ नोबा तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन टा एठी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हि जाउची जे कोनसी गोटे पर्सन माने निहाती थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ता परे जेहेतु एटा फर्स्ट टाइम यूज हे छी तो पर्सन गोटे नाउन रे भी जाउची तो जे गोटे रूल जे गोटे रूल कौन एटा गोटे सिंपल रूल जे नाउन बसिबा पूर्वरु निहाती नाउन आगरु कौन बसिबो ना दी बसिबो कौन बसिबो ना दी तो एठी भूलटा जो थिला ए फोटोग्राफ फ्रॉम एनी पर्सन जगह रे दी पर्सन हेइ जिवो तो आमे एटा ठीक करि सचे आमे जीवा वर्तमान 19 नंबर क्वेश्चन को तो 19 नंबर कौन दीजि ना चेतन पुट्स इन ए लॉट ऑफ एफर्ट टू एनश्योर दैट द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन मार्च तो एठी भूल कौन दीजि ना आंसर हमर कौन दीजि ना सी तो सी को हम अंडरलाइन कर दो दैट द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द मार्च तो हम या प्रीवियस क्वेश्चन ने जो देखी थिले हमर आमर 16 नंबर क्वेश्चन रे जे सेठी कौन बसतिला ना हैज लॉन्च्ड तो हैज कौन पे बसतिला ना कामोटा पास्ट रे होई सारी छी तो आमे ताको फर्स्ट टाइम पे डिस्क्राइब करू छी तो से एक्टिविटी टा को डिस्क्राइब करिया पे कौन बसिबो ना प्रेजेंट परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट हिसाब रे कौन बसिबो ना दैट द स्कीम हैज लॉन्च्ड इन द मार्च एबे हमें जीवा 20 नंबर को एज आवर इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग ए रिसेशन बैंक्स हैव बिकम वेरी कॉटियस अबाउट गिविंग लोन्स तो कौन देछि एज आवर इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग ए रिसेशन बैंक्स हैव बिकम वेरी कॉटियस अबाउट गिविंग लोन्स तो आंसर आवण कौन देछि ना सी तो सी रे कौन देजी हैव बिकेम वेरी कॉटियस तो एठी भूल कौन अछि ना हैव रे कौन भूल अछि ना हैव जगह रे बसी थांता हैज हैज काहे की बसिबो ना बैंक्स अछि तो बैंक टा एठी हमर थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर तो थर्ड पर्सन प्लुराल हो कि सिंगुलर हो हैज बसिबो केने कि फर्स्ट पर्सन रे हमर आई है आई जो गुड आई वी रे बसे है सेकंड पर्सन ने यू पाखरे है बसे आ जेते बाकी सब थर्ड पर्सन रहिला से गुडी को सब रे कोन बसे ना हैज को केमती बसे ना रामो हैज गीता हैज बैंक्स हैज एटारे कौन बसिबो ना हैज बसिबो तो आमर हैव रे भूल थिला आमर कौन हबो ना हैज हबो तो एबे आमे आसीबा 21 क्वेश्चन को तो क्वेश्चन कौन अछि ना आफ्टर रिटायरिंग शी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम टीचिंग यंग डॉक्टर्स एंड
motivating themselves to work in rural areas. तो हमको ऑप्शन माने आंसर कौन दे आंसर हम ए तो आम मार्क कर दबा आफ्टर रिटायरिंग सी स्पेंट तो ये भूल कौ वर्डटे अच्छी ना रिटायरिंग रे रिटायरिंग रे कौन भूल अच्छी तो रिटायरिंग रे कौन भूल अच्छी तो रिटायरिंग जगह रे कौन बसी था ना रिटायरमेंट बसी था तो रिटायरमेंट कहीं बसव तो अच्छी कौन ना रिटायरमेंट बसी था तो रिटायरमेंट कहीं बसव तो आम से बुझा व्हाइट बोर्ड तो आमको प्रथम बुझापाई पड़ो जे रिटायरिंग आउ रिटायरमेंट भितर फरक कौन तो रिटायरिंगटा कौन गोटे तो रिटायरिंगटा कौन ना रिटायरिंगटा हूँ रिटायर भार्ब्र प्रेजेंट पार्टिसिपल आउ गोटे एडजेक्टिव किंतु रिटायरमेंटा कौन ना एटा गोटे एडजेक्टिव रिटायरिंगटा नाउन सांगरे गोटे पास्ट पार्टिसिपल किंतु रिटायरमेंट होउची गोटे एडजेक्टिव तो रिटायरिंगटा कौन तार अर्थटा कौन तो रिटायरिंगटा कौन ना एटा होउची गोटे गोइंग टू स्टेटमेंट तो गोइंग टू स्टेटमेंट केमती आम गोटे एग्जाम्पल नवा रिटायर शब्द को नहीं कि शी इज गोइंग टू रिटायर जदि आम गोइंग टू टा को प्लस करदे रिटायर रे तो कौन है गोइंग टू टा तो गोइंग टू टू टूटा कटिजी गोटा कटिजिंग कौन है ना रिटायरिंग तो कौन है सेठी सी इज रिटायरिंग गोइंग टू टा से कटिजी किंतु रिटायरमेंटा कौन ना रिटायरमेंटा हो सारी होटा गोटे सरी जा रिटायरमेंट पीरियडटा सरीगला माने से रिटायर हो सारी तो हेटा गोटे एडजेक्टिवटा कौनटा एडजेक्ट तो रिटायरमेंटा कौन डेस्क्राइब करुचे ना इट इज ए स्टॉपिंग स्टेट माने एठी तांकर चाकरी पीरियडटा सरीगला तो सेथिपाई रिटायरमेंट अलग रिटायरिंग अलग रिटायरिंग होउची रिटायर भार्ब्र पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल आउ गोटे एडजेक्टिव किंतु रिटायरमेंटा होउची गोटे नाउन तो सेथिपाई आमर से क्वेश्चन रे कौन हैला आफ्टर हर रिटायरमेंट सी है सेठी माने एठी रिटायरिंग जगह रे रिटायरमेंट बसिबो आम एटा से क्वेश्चन करिबा तो एठी आमर कौन है आउ थरे टिके अंडरलाइन कर दबा आमर भूल थिला आफ्टर रिटायरिंग सी स्पेंट भूल थिला ए नंबर क्वेश्चन रे रिटायरिंग रे भूल थिला कौन है ना रिटायरमेंट भल कि से भिडटा देखला बेले से ह्वाइट बोर्ड जो मैंने ब्लाक बोर्ड जो बुझेई भल कि बुझे पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव आउ नाउन ये दुईटा को नहीं कि रिटायरिंग आउ रिटायरमेंट भितर जमा कन्फ्यूज हेनी तो आम एक नंबर सारीचे एवं जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो आमर क्वेश्चन कौन अच्छी सिंस दिस फॉरेन बैंक हैज नॉट परफॉर्म वेरी गुड दिस ईयर इट विल नॉट बी सेटिंग अप एनी न्यू ब्रांचेस तो आमर आंसर कौन देछि ना आंसर हबो बी तो बी रे कौन भूल अच्छी आगे लाइन कर दबा द नॉट परफॉर्म वेरी गुड दिस ईयर तो इठी जे गुड अच्छी वेरी गुड तो वेरी गुड को आमे आहुरी कौन लेखे माने इंग्लिश रे साधारणतः आमे वेरी गुड को वेल भी लेखे किंतु वेलटा एठी जो गुडटा भी एडजेक्टिव किंतु वेरी गुड बसीचि से एडजेक्टिव सांगरे
ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍ଡ଼ ବସିଛି ସେଟାକୁ ମୋର ସ୍ପେସିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ ବସେଇବା, ଗୋଟେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏଡ଼୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଣ୍ଟୋନିମ୍ କ'ଣ ବସେଇବା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା, ସିନ୍ସ ଦିସ୍ ଫରେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍ ପରଫର୍ମଡ୍ ୱେଲ୍ ଦିସ୍ ଇୟର୍, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବି ସେଟିଂ ଅପ୍ ଏନି ନ୍ୟୁ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍। ତ ଆମର ଏଠି ୱେଲ୍ ବସିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା 23 ନମ୍ବରକୁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆୱାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ଲି କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏବାଉଟ୍ ଦି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ସମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଷ୍ଟ ବାଇ ଆୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍। ତ ଆମକୁ ଏନ୍ସାର୍ରେ ଦେଇଛି ଯେ ନୋ ଏରର୍ସ, କିନ୍ତୁ ନୋ ଏରର୍ସ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତ ନୋ ଏରର୍ସ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେ ଦେଇଛି ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଷ୍ଟ ବାଇ ଆୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ୍, ସେ ଯେ ଆୱାରଟା ବସିଛି ଏଇଟାର ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଦିଜ୍ କିମ୍ବା ଦ, ତ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ଟା। ତ ଆୱାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିଲେ ବି ନୋ ଏରର୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଜ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ମାନେ ଆୱାର ଯେଉଁ ବସିଛି ତା'ର ପ୍ରପର୍ ୟୁଜ୍ ହେବ ଦିଜ୍ ଆଉ ଦି, ତ ଯେଟା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବସିବ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଏବେ ଯିବା 24 ନମ୍ବରକୁ। ତ 24 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ହି ୱାଜ୍ ଅଫ୍ରେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ହିମ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ, ସୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ ଦେମ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା, ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଏଠି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହି ୱାଜ୍ ଅଫ୍ରେଡ୍, ୱାଜ୍ ବସିଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ୱୁଡ୍ ନଟ୍ ଆଲାଉ ହିମ୍ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ବସିଛି, ତାପରେ ମାନେ ତାର ଭି ୱାନ୍ଟା ବସିଛି, ଭାର୍ବ ୱାନ୍ଟା ବସିଛି ତାର, ତାପରେ ଆଲାଉ ଭାର୍ବର, ମେକ୍ ଦ ଫିଲ୍ମ ସୋ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ ଦେମ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍, ଏଠି ବି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା 25 ନମ୍ବରକୁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଟୁକ୍ ମୀ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଆକଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଦ ଫୁଡ଼। ତ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଡି, ତ ଡିକୁ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କ କରିବା। ଡିକୁ ଆମେ ମାର୍କ କରିଦେଇଛେ। ତ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଆକଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଜାଗାରେ ୱିଥ୍ ବସେଇ ପାରିବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେବାର ଅଛି, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଟୁ ବସେଇବା ଜାଗାରେ ୱିଥ୍ ବସେଇ ପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଆକଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ଦ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆକଷ୍ଟମ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ ଟୁ ଦ ଫୁଡ଼୍ ବସିପାରିବ, ମୋତେ ମୋ ନିଜକୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଇଟାରେ ମାଇସେଲ୍ଫ ବସେଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ 25 ନମ୍ବର ଯାଏ କରିସାରିଛେ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତ କ'ଣ ଅଛି ନା, 26-30 ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ କିଛି ସବୁ ଅଛି ଅପସନ୍, ତ ସେଗୁଡ଼ାରେ ରଙ୍ଗ ସ୍ପେଲିଂ ସହିତ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ତ ଆମକୁ ସେଇ ରଙ୍ଗ ସ୍ପେଲିଂର ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଇ ତ ବସିବ, ଅଲ୍ କରେ ଏଇଟା ହଉ। ତ ଦେଖିବା 26 ନମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହି ୱାଜ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି ଓରିଜିନାଲ କମିଟି ହ୍ୱିଚ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଦିଜ୍ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍। ତ ଏଠି ଆମର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବିରେ ଦେଖିବା ଅଫ୍ ଦି ଓରିଜିନାଲ, ଅଫ୍ ସ୍ପେଲିଂ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦି ସ୍ପେଲିଂ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଓରିଜିନାଲ ସ୍ପେଲିଂ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟା ଖୋଲିକି ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଥିଲି, ତ ସେଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତ ସେଠି ଭୁଲ ଥିଲା ଓରିଜିନାଲର ସ୍ପେଲିଂଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ଏଠି ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଟାଇପିଂ ବେଳେ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ତା ସ୍ପେଲିଂ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଓ ଆର୍ ଜି ଆଇ ଏନ୍ ଏ ଏଲ୍, ତ ସେଇଟା ଅରିଜିନାଲ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଏଠାରେ ଭୁଲ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ସେ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି, ଏଠି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ନା, ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେଡ଼୍
ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆନ୍ସର କହିଦେଲିଣି, ନିଜେ ଦେଖିନିଅ। ମୁଁ ତଥାପି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ରିସିଭ୍ ଫର୍ଦର୍ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଅପସନ୍ ଏଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ନା, ପ୍ରୋସିଡ୍ର ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି। ପ୍ରୋସିଡ୍ ସ୍ପେଲିଂ କେମିତି ନା, PROCEED, ପ୍ରୋସିଡ୍। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଠିକ୍ କରିସାରିଛେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ, ଆୱାର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼ ଇନ୍ ଏ ରିମୋଟ ଏରିଆ ହୁଏର ୱାଟର ଇଜ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି ଆଭେଲେବଲ। ତ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ସିରେ ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ଏରିଆ ହୁଏର ୱାଟର ଇଜ୍ ସ୍କାର୍ସିଟି, ତ ସ୍କାର୍ସିଟି ଏରିଆ ଠିକ୍ ଅଛି, ହୁଏର ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଟର ସ୍ପେଲିଂ ଅଛି, ଇଜ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସ୍କାର୍ସିଟିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି, ତ ସ୍କାର୍ସିଟିରେ ଭୁଲ ଅଛି ତାର ୟୁଜେସ୍ଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସ୍କାରିଟି ମାନେ ହେଲା ଯାହା ଦୁର୍ଲଭ ମାତ୍ରାରେ, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭେଲେବଲ୍ ଦେଇଛି ସେଠି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଭାବରେ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ ବସିଛି ନା, ଏଭେଲେବଲ୍ ପୁଣି ମିଳୁଛି। ତ ସ୍କାର୍ସିଟିଟାର କ'ଣ ୟୁଜେସ୍ଟା ହେବ ନା, ସ୍କାର୍ସଲି, CSCARCLY, ସ୍କାର୍ସଲି ଏଭେଲେବଲ, ବହୁତ ଦୁର୍ଲଭ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ସେଟା ୟୁଜେସ୍ଟା ଭୁଲ ଥିଲା। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଟୁ ଗେନ୍ ଦେୟାର ସପୋର୍ଟ ୟୁ ମଷ୍ଟ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ଦେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜଲ। ତ ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଆମର ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସିକୁ ମାର୍କ କରିଦେବା, ଦେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ବେନିଫିଟ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେମ୍ ଅଫ୍ ଦିଟ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ କ'ଣଟା ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ନା, ଭୁଲ ଅଛି ବି ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ, ୟୁ ମଷ୍ଟ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ। ତ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସର ୟୁଜେସ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି, ତ ତାର ଏକ୍ଚୁଆଲ ୟୁଜେସ୍ଟା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହିସାବରେ କ'ଣ ବସିବ, ତ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସର ଏକ୍ଚୁଆଲ ୟୁଜେସ୍ଟା କ'ଣ ବସିବ ନା, କନ୍ଭିନ୍ସ, CONVENIENCE, କନ୍ଭିନିଏନ୍ସଟା ଭୁଲ। କ'ଣଟା ଠିକ୍ ହବ ଏଠି, CONVENIE, ଏଠି ENଟା କଟିଯିବ, CEଟା ରହିଯିବ। ତ କନ୍ଭିନ୍ସର ସ୍ପେଲିଂଟା କ'ଣ ହବ ନା, CONVENICE, କନ୍ଭିନ୍ସ ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲ ୟୁଜେସ୍, କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ ଜାଗାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, ଦ ଡିଲ୍ ୱି ନେଗୋସିଏଟେଡ଼ ହ୍ୟାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ଅପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଇ RBI ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ସ ଟୁ ବି ରିଭାଇଜଡ଼। ଏଠି ଡି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ଡିକୁ ମାର୍କ କରିବା, ଟୁ ବି ରିଭାଇଜଡ଼। ତ ରିଭାଇଜଡ଼ର ସ୍ପେଲିଂଟା ଭୁଲ ଅଛି, କ'ଣ ନା, ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଭୁଲ ଅଛି। ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ଭୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ନା, ରିଭାଇଜଡ଼ ଜ ବସୁଛି, ଏଇ ଜେଡ଼ର ଭୁଲ ଅଛି। ଜେଡ଼ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବସିବ ନା, ଏସ୍ ବସିବ, ରିଭାଇଜଡ଼ ସ ବସେ, ଦନ୍ତେସ ବସେ, ତେଣୁ ଦନ୍ତେସ ହିସାବରେ କ'ଣଟା ବସିବ ନା, RIVIESED, ରିଭାଇଜଡ଼। ତ ଏଠି ଜେଡ଼ରେ ଭୁଲ ଥିଲା। ଆମେ 30 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ସାରିସାରିଛେ, ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ରିଏରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ 6 ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ABCDEF ପ୍ରପର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଆଉ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସଜେଇବା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯିବା ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ାକୁ। ତ ଏ କ'ଣ ଅଛି, ଏ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ଲେଟର ହି ୱାଜ ହାଉଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ଅନ୍ ବୋର୍ଡ ଦ ଶିପ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ର। ବିରେ ଅଛି, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରୁ ବିଗାନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋନ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ୱାନ୍ କୁଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହିମ୍। ସି କ'ଣ ଅଛି, ମାର୍ଭେଲିଂ ଆଟ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ଦ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର୍ସ ଆସ୍ଡ ଫର୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍, ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଦ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରିପ୍ଲାଏଡ଼, ୱି ନେଭର ଆପ୍ରିସିଏଟେଡ଼ ହାଉ ୱେଲ୍ ଅଫ୍ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଅ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଣ୍ଟିଲ୍ ୱି ଫଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଅ ୱର୍ସ ୱାନ୍। ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଡ୍ୟୁରିଂ ଅ ଭଏଜ୍ ଅ ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଅରୋଜ୍।
नेक्स्ट कौन अच्छी इन एक्सास्परेशन द कैप्टन ऑर्डर हिम टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड एफ रे कौन अच्छी टू एवरीवन सरप्राइज द मैन इमीडिएटली वेंट बैक टू हिज पोस्ट एंड साइलेंटली बिगन टू वर्क तो तुम्हें मैंने ये वीडियो टा देखला बेलकु एठे मु किछि टाइम पे अटकी छी एठे ए बी टा तुम्हें देखि नबो मु किछि टाइम पे अटकी छी ए बी टा तुम्हें गोटे जारे लिखि नै था तो पॉज भी करि पारिबो सी डी ई एफ को भी तुम्हें मैंने पॉज करके लिखि नियो देखि निजे कमेंट सेक्शन ने एटारो आंसर टक माने केमिति रीअरेंज होबो क्वेश्चन गुडा सेटारो आंसर तुम्हें मैंने कमेंट रे दबो तो मु क्वेश्चन गुडा को पढ़ी दउछि तुम्हें मैंने पॉज करके देखि नबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑप्शन ई देई देइछि ऑप्शन ई एठी देई देइछि किंतु सही हिसाब रे बिल्कुल लेखिबो नी पढ़ी की बुझिबो बुझी की लेखिबो तापरे कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑप्शन डी देई देइछि निहाती पढ़िबो पढ़ी की करिबो जमा क्वेश्चन रो आंसर देखि दबो नी निहाती भाभी चेती की करिबो तापरे कोन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द लास्ट सेंटेंस ऑप्शन ई देई देछि मु आउ थरे कहूछि जमा देखिबो नी एटा गोटे छोटो एग्जाम भलिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकंड सेंटेंस ऑफ द रीअरेंजमेंट ऑप्शन ए देई देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इन द फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑप्शन सी देई देछि पांचटा क्वेश्चन निजे पढ़िबो टिके पढ़ी की रीअरेंज करिबो रीअरेंज करि सारि की तळे आंसरटा टिके कमेंट सेक्शन ने लिखि दबो एबे आमे जिबा 36 रु 40 पर्यंत क्वेश्चन को तो हमर क्वेश्चन कोन देइछि व्हिच माने 36 रु 40 पर्यंत कोन क्वेश्चन अछि ना व्हिच ऑफ द फ्रेज ए बी सी डी गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज गिवन इन बॉन्ड बोल्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट तो किसी क्वेश्चन देइछि जो जगहटा रे माने सेंटेंस रो किसी पार्ट रे यूजेस टा तर भूल अछि ग्रामेटिकल यूजेस और ग्रामेटिकल मीनिंग ता टिके भूल अछि तो हमको एटा ठीक करबा पई पढ़िबो एनश्योर वी हैव द नेसेसरी क्लियरेंस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट तो ऑप्शन हमर कोन देछि ना बी टू एनश्योर हैविंग तो सेटा केमिति बसियो काही की बसियो देखिबा तो काही की हबो ना आगे देखिया जे भूल केठी अछि तो तो भूल केठी अछि ना व्हिच वाज डिस्कस्ड तो आमर आंसर कोन देछि व्हाट वी हैड डिस्कस तो व्हिच वाज इंप्लीमेंट व्हिच वाज डिस्कस्ड एट द लास्ट मंथ कॉन्फ्रेंस इन चेन्नई तो कोन बसियो ना व्हाट वी हैड डिस्कस्ड तो सेमान को भितरे गोटे डिस्कशन होईछि एटा गोटे छोटो सामान्य एरर टा किछि व्हिच वाज डिस्कस्ड भी हेइ पारिबो किंतु व्हाट वी हैड डिस्कस्ड टिके बेसी एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ द करेक्ट आंसर तो सेटर बेसिक जेसंती बुझेबा नै कि भूल नै ता नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा टू रिड्यूस कॉस्ट्स वी शुड रिप्लेस आवर करंट सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन तो ऑप्शन देछि सी विथ ए मोर एफिशिएंट तो विथ ए मोर एफिशिएंट काहे कि होबो केटी भूल अछि सिस्टम बाय मच एफिशिएंट वन तो सेठी भूल कोनटा अछि हमें देखिबा तो एठी भूल कोन अछि ना कंपैरेटिव डिग्री रो भूल अछि कंपैरेटिव डिग्री टा तो बसिबो डिग्री रो भूल अछि बाय मच एफिशिएंट वन देइछि सेइटा रे बाय मच जागा रे कोन बसियो मच जागा रे कोन बसिबो ना मोर बसिबो तो केन कोनटा ठीक हबो विथ ए मोर एफिशिएंट वन तो एठारे भूल की थिला ना कंपैरेटिव डिग्री रो कंपैरेटिव डिग्री रो भूल थिला तो एठी भूल कोन थिला ना कंपैरेटिव डिग्री रे भूल थिला तो डिग्री को भी छुआ माने ध्यान दबो किछि डिग्री एडजेक्टिव गुडा रो डिग्री विषय रे मोटे पढ़िबो
नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ना स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कैन इजीली मॉनिटर वेदर द पेमेंट्स आर बीइंग मेड इन टाइम। तो ऑप्शन कौन देजी ना किसी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं कौन देजी ना किसी कौन देजी ना किसी करेक्शन रो रिक्वायर्ड नहीं। तो कौन टा का रिक्वायर्ड नहीं देखी तो स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस कैन इजीली से माने सहज भाव रे कैन इजीली मॉनिटर वेदर द पेमेंट्स आर बीइंग मेड इन टाइम। एठी हेई परथा था कोनो आर बिगिन हेई परथा था स्पेलिंग मिस्टेक आर बीन मेड इन टाइम हेई परथा था भर्ब यूजेस रे। तो एठी आर बीइंग होउची माने कोन बसची ना बी रो पीपी फॉर्म बसची पीपी कोन ना पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ला कोन ना किछि भी वर्ड प्लस आईएनजी। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स हुम इन्वॉल्वड इन द डील हैड प्रीवियसली वर्कड फॉर मल्टीनेशनल बैंक्स। तो डी ऑप्शन देइछि इन्वॉल्वड इन। तो कौन टारे भूल अछि ताले मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स हुम इन्वॉल्वड अछि एटी हुम रे भूल अछि। तो हुम टा एठी हमरो कटी जीवो काहे की कटी जीवो तो हुम टा कटी जीवो काहे की कटी जीवो ना हुम टा होउची इनप्रॉपर यूज हुम बसिबो नाही प्रथम रु मैनेजर सहित तुमे कोन मैनेजर तुमे कहि सारचो तापरे हुम बसैचो जदि व्हिच बसितांता जे कोनसी गोटे बसितांता ताहले भी ठीक थांता किंतु इनवर्ड इन सांगरे तुमे जणो को डिस्क्राइब करि सला परे तुमे हुम बिल्कुल बसै पारिबो नाही। तो हुम होउची इनप्रॉपर यूज। आजिरो क्वेश्चन डिस्कशन सरीची नेक्स्ट क्वेश्चन को आउ 25टा क्वेश्चन कि ताठो अधिका क्वेश्चन करिबा। तो स्टूडेंट्स आमे जेमती कथा आइतिले गोटे सब्जेक्ट आमे निहाती पढ़िबा सिलेबस भितरु। तो आज हमर फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़िबा नाउन। तो आमे कोन पढ़िबा आमे पढ़िबा नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन डा कोन तो प्रथम आमे समस्ते जानिचे जे नाउन होउची गोटे नेमिंग वर्ड नाउन डा होउची जेकोनसी नाम को बुझाए। तो एठी हमर लेखा आइछि Nouns make up the largest class of the world words in most language. तो including English. तो noun डा हमें सबु क्षेत्र रे सबु प्रकार भाषा रे सबु प्रकार माने देशर भाषा रे हो लोकल भाषा हो noun हमें निहाती यूज करूचे कारण noun डा हमें कौन कहिचे ना noun डा गोटे naming word noun डा कौन ना naming word। तो नेमिंग वर्ड हिसाब रे एटा सबळे यूज हुए। ए नाउन इज अ वर्ड दैट प्रेफर्स टू ए थिंग बुक एग्जांपल देची ए पर्सन बेटी क्रोकर देची एन एनिमल कैट अ प्लेस ओमाहा इक्वालिटी सॉफ्टनेस एन आइडिया जस्टिस और एन एक्शन योडलिंग इज योडलिंग। तो आमे सही हिसाब रे कोन कोन देखिले ना नाउन टा को आमे केमती यूज करूचे ना थिंग हिसाब रे जे कोनसी वस्तु को नै कि आमे यूज करूचे मु एबे कहिबिनी जे टाइप केतेटा टाइप आमे धीरे धीरे पढिबा को आगे टी कॉमन जिंस टा पढ़ दबा। तो नेक्स्ट ए पर्सन बेटी क्रॉकर किसी पर्सन रो नाम को भी नहीं कि हमें यूज करी परिबा नाउन टा को एटी थिंग टा भी गोटे नाउन कारण बुक टा गोटे नाम गोटे जिंसर नाम सेटा बुक ए पर्सन बेटी क्रॉकर एन एनिमल ए कैट कैट टा भी गोटे पशु रो नाम अ प्लेस ओमाहा ओमाहा गोटे गोटे जगह टा सेटा रो भी नाम सेटा अ क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटेटिव नाउन एटा गोटे गोटे टाइप ऑफ नाउन जेकोनसी क्वालिटी को भी हमें यह बुझाई था सॉफ्टनेस रूडनेस एंग्री गुड एटा एटा भी क्वालिटी एन आइडिया जस्टिस किसी लोकों को आइडिया को भी यह कही था नाउन और एन एक्शन योडलिंग योडलिंग कौन ना आम गीत गाइला बेले गोटे मैंने यूज करू था योडलिंग मु गोटे साधारण उदाहरण दूची रिसेंट गीत गोटे कबीर सिंह रो गोटे गीत थिला हमरो कैसे हुआ सेटरे जोठी जो टाइम रे कैसे हुआ सरला पोरे
ଯେଉଁଠି ଆମର ବିଶାଲ ମିଶ୍ରା କରିଛି ଗୋଟେ ୟର୍ଡ଼ଲିଂ ହୁ ହୁ ହୁ, ସେଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ୟର୍ଡ଼ଲିଂ କୁହନ୍ତି। ୟର୍ଡ଼ଲିଂ ତାଙ୍କଠୁ ଆଗରୁ କିଏ କରୁଥିଲେ ନା ଆମର କିଶୋର କୁମାର ମଧ୍ୟ ୟର୍ଡ଼ଲିଂ କରୁଥିଲେ। ତ ୟର୍ଡ଼ଲିଂଟା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଂ ପର୍ପଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ସେଇଟା। ୟର୍ଡ଼ଲିଂ ତ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ତା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ବୁଝେଇଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନା ପ୍ଲେଇଂ, ଡୁଇଂ, ରିଡିଂ, ଯେକୌଣସି କାମକୁ ମଧ୍ୟ ନାଉନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ୱାର୍ଡ଼ସ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇଏରେ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜୁଆଲି ଅ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ବୁକ୍, ଅଛି ବେଟି କ୍ରକର, ଅଛି କେଟ୍, ଅଛି ଓମାହା, ଅଛି ସଫ୍ଟନେସ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍, ୟର୍ଡ଼ଲିଂ। ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼, ଡବଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼। ବଟ୍ ନଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ କେକ୍, ସୁଜ୍, ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ ହାପ୍ ଏଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ନାଉନ୍ସ। ଆଉ ଏଇଗା ସବୁ ଯେଉଁ ରହିଲା କେକ୍, ସୁଜ୍, ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ଆଉ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ବି ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ ନଥାଏ, ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନୁହନ୍ତି। କେକ୍ସ ହେଇଯାଏ, ସୁଜ୍ ହେଇଯାଏ, ସ୍କୁଲ ବସେସ୍ ହେଇଯାଏ, ଟାଇମ୍ଟାରେ ବି ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ଟାଇମ୍ ନିହାତି ଆମେ ଟାଇମ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କହୁଛେ 6 o'clock, ଏଣ୍ଡ ଏ ହାଫ୍, ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଜିନିଷଟା ସେଟା ବି ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ଏ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍, ଏ ହାଫ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ପେପର୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ନାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ନାଉନ୍ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେୟାର ଆର୍ କମନ୍ ନାଉନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍ସ। ତ ନାଉନ୍ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଏଇଟା ସାଧାରଣ, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାର ହେଇଥାଏ ନାଉନ୍ର, ଏଇଟା ସାଧାରଣ, ଯେ କମନ୍ ନାଉନ୍ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍, ସେଇଟା ସାଧାରଣ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍। ଏ କମନ୍ ନାଉନ୍ ପ୍ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲର୍ ପ୍ଲେ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ। ଏ ଯେଉଁ କମନ୍ ନାଉନ୍ଟା କିଛି ପର୍ସନ୍କୁ, ଏଇ ଯେ କମନ୍ ନାଉନ୍ଟା କିଛି ପର୍ସନ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ, ପ୍ଲେସ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ, ଜିନିଷକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲର ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଥିଙ୍ଗକୁ ପ୍ରିଫର୍ କରେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ନା ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ପର୍ଟିକୁଲର ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଥିଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ପର୍ଟିକୁଲର ପର୍ସନ୍, ଯେମିତି ମୋ ନାମ ଶୁଭଦୀପ ରାଜ, ମୋ ଶୁଭଦୀପ ରାଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ତୁମମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ପ୍ଲେସ୍ ବାରିପଦା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଓଡ଼ିଶା, ଭାରତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଆମ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲର ଜାଗା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା, ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେଶ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରପର୍ ନାଉନ୍। ଆଉ ଥିଙ୍ଗ, ଲାଇଟ୍, ଫୋନ୍, ଟ୍ରାଇପଡ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରପର୍ ଥିଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କମନ୍ ନାଉନ୍ କ'ଣ, ଏ କମନ୍ ନାଉନ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏ ପର୍ସନ୍, ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ ଥିଙ୍ଗ, ଟୁ ଏ ପର୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଏନି ପର୍ସନ୍, ଏ ପର୍ସନ୍, ସମ୍ ପର୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କମନ୍ ନାଉନ୍। ଏଇଟା କଲେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ଲେସ୍, ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଦିସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଏଇଟା ସବୁ କମନ୍ ନାଉନ୍, କମନ୍ ୟୁଜ୍। ତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଆର୍ ଆନିମଲ୍, ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍। ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଆନିମଲ୍, ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏଣ୍ଡ ହ୍ୟାପିନେସ୍, ପର୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଆନିମଲ୍ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଯାଉଛି। ଏନିମଲ୍ଟା ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍, ଏନିମଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍, ମାନେ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ଟା ନାଉନ୍ ନୁହେଁ, ଏନିମଲ୍ଟା ନାଉନ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ନା ଏନିମଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୋଟେ ଆନିମଲ୍ ଜାତିଟାକୁ ବୁଝାଉଛି, ସେଇଟା ପର୍ସନ୍ ଆଉ ଆନିମଲ୍ କେସ୍ରେ ଗଲା। ପ୍ଲେସ୍, ପ୍ଲେସ୍ଟା ସନ୍ଲାଇଟ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଆମର ଥିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବି ଯାଇପାରିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସନ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଯାଉଛି। ତ ସେମିତି ପର୍ସନ୍ କ'ଣ ନା ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଦ ମୁସଲିମ୍ସ, ଦ ଶିଖ, ଦ ଜୈନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ଜାତି, ମୁସଲିମ୍ ଜାତି, ଏଇ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ପର୍ସନ୍ଟାକୁ ବୁଝାଉଛି, କମନ୍ ନାଉନ୍ରେ ପର୍ସନ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏମିତି ହ୍ୟାପିନେସ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି,
से हैप्पीनेसटा गोटे क्वालिटी सेटा भी कॉमन नाउन हैप्पीनेस सैडनेस एगुड़ा सब कॉमन नाउन जिते सब क्वालिटी अच्छे एगुड़ा सब कॉमन नाउन ता भितरे जो क्वालिटी गुड़ा अच्छी हैप्पीनेस जमती हैप्पी जमती कि स्माइल जमती कि स्टेयरिंग एगुड़ा सब हूँ प्रॉपर नाउन एगुड़ा अलग अलग हैप्पीनेस सैडनेस एंग्री एगुड़ा सब कौन कॉमन नाउन एटा गोटे गोटे क्वालिटेटिव गोटे क्वालिटेटिव क्वालिटी को बुझाऊँ आम केमी रागुचे हसुचे यटा को बुझाऊँ ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस प्लेस पर्सन और थिंग इट इज यूजुअली बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर अब्राहम लिंकन अर्जेंटीना एंड वर्ल्ड वॉर वन आर द प्रॉपर नाउन्स तो आम जितेबले एटा गोटे साधारण नियम जितेबले भी गोटे आम नाउन यूज करूचे निहाती नाउनटा जेहेतु नाम आम समस्त जानचे नाम आगुरी प्रथम लेटरटा सबुबले कैपिटल हम कौन हम ना कैपिटल हम कौन हम ना कैपिटल हम तो कैपिटल हिसाब से देखो अब्राहम लिंकन ए बड़ अच्छी एल बड़ अच्छी अर्जेंटीना जगार नाम ए बड़ अच्छी वर्ल्ड वॉर वन डब्ल्यूटा बड़ अच्छी आउ थे वर्ल्ड बी डब्ल्यूटा बड़ अच्छी तो एगुटा सब हूँ प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को बुझाऊँ तो से पर्टिकुलर नाउन और प्रॉपर नाउन एवं आम आसवा कौन ना गोटे कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन कौन आम कलेक्टिव नाउन विषय जानवा ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग गोटे कलेक्शन को बुझाए कलेक्टिव नाउनटा कौन ना गोटे कलेक्शन ऑफ नेम्स एंड ग्रुप्स एंड पीपल्स और थिंग्स सबुठ मानने रिसेंट बेस्ट उदाहरण हूँ कौन नेम्स देख जो एयरटेल नेटवर्क रोटे एडवर्टाइजमेंट अच्छी कहे से माने जो सिम चेंज कर नेटवर्क को चूज कर दी जेन्स दी दिस जो टाइटल गुड़ा दी अडवानीज दी दी दिस दी दिस दैट दी राज दी पात्रस दी दास युड़ा सब ए कलेक्टिव नाउन इज ए नाउन दैट नेम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग सेटा पीपल से माने से टाइटल रो पीपल से माने गोटे ग्रुप ऑफ पीपल चाहे से माने जेकोसी ये रही थांतो किंतु से माने को टाइटल टा समान और थिंग्स दी लैपटॉप्स दी इलेक्ट्रॉनिक्स लैपटॉप सब रे लैपटॉप टा गोटे माने प्रॉपर नाउन ही होची तो कलेक्टिव नाउन रे कोन द इलेक्ट्रॉनिक्स द इंस्ट्रूमेंट्स द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स द लाइट इंस्ट्रूमेंट्स एडा सब थिंग प्रॉपर कलेक्टिव थिंग्स सच इज फॉक और स्क्वाड फॉक और स्क्वाड स्क्वाड मु सिंपल बुझे दूँ जो मैंने पबजी खेलु इवेन मु भी खेले किसी असुविधा नहीं से जो स्क्वाड आम खेलुचे से गोटे कलेक्टिव नाउन जिते हंड्रेडटा पिला भितर पचिशटा स्क्वाड पचिश चौ शहे पचिशटा स्क्वाड हूँ गोटे कलेक्टिव नाउन एव्री स्क्वाड इज ए कलेक्टिव नाउन देन जो आम सोलो खेलुचे सोलो भी कलेक्टिव नाउन मु खेलु गोटे मो आईडी खेलु तुम्हें खेलु आउ गोटे आईडी रू से जो आम खेलुचे सेटा भी आम सोलो जेहतु खेलुचे सेटा भी गोटे कलेक्टिव नाउन जो डुओ खेलुचे सेटा भी गोटे कलेक्टिव नाउन देख खेल भी मुझे इंग्लीश बाहर करदेली तापरे कौन अच्छी इट इज समटाइम्स अनक्लीयर व्वेदर द वर्ब और ए कलेक्टिव नाउन शुड बी सिंगुलर और प्लुराल तो बेले बेले जो बसुची तो बेले बेले जो बसुची जे सिंगुलर और प्लुराल सेटा बेले बेले अनक्लीयर थाए जो कलेक्टिव नाउन गुड़ा से गुड़ा एक तो सिंगुलर हो पार ना प्लुराल हो पार तो सिंगुलर नाउन भी थाए प्लुराल नाउन भी थाए सेमती काउंटेबल नाउन भी थाए अनकाउंटेबल नाउन भी थाए सिंगुलर सिंगुलर कौन ना ए एप्पल प्लुराल दीज एप्पल्स सेमती ए लायन दि लायन्स ए टाइगर दि टाइगर्स सेमती सिंगुलर और प्लुराल को नहीं कि बेले बेले किसी क्लैरिटी रही था इन द यूनाइटेड स्टेट्स सच नाउन्स एज कंपनी टीम हर्ड पब्लिक एंड क्लास आर वेल एज द नेम्स ऑफ द कंपनीज टीम्स एटसेट्रा आर ट्रीटेड एज सिंगुलर बट द यूनाइटेड किंगडम दैट
they are often treated as plural. The team has been doing well this session versus British re kono na to kon koila na United States of America or United Kingdom of Britain segura re United States re kono na company team heard of public of class एगुड़ा को सब जो जिते भी नाम अच्छे कंपनी टीम एटसेट्रा सब सिंगुलर यूज हुए तो से क्षेत्र में जदि आम करवा इंग्लीशा यूज दुईटा इंग्लीश यूनाइटेड स्टेट्स रो इंग्लीश यूनाइटेड किंगडम रो इंग्लीश दुईटा इंग्लीश डिफरेंट तो जदि धर जो इंडिया खेलुची पाकिस्तान विरुद्ध क्रिकेट मैच तो से सिंगुलर यूजटा केमती करती इंडिया इज डूइंग वेल एठी अलगा उदाहरण देजी मु आम गोटे भल छोट उदाहरण दे दूची इंडिया इज डूइंग वेल किंतु जदि आम ब्रिटिश रे देखिबा से माने कौन यूज करबे द टीम इंडिया इज डूइंग वेल तापरे से एटा तो रहिला माने कौन सिंगुलर प्लुरल को नै कौन से माने कुहंती सिंगुलर प्लुरल को नै कौन से यूनाइटेड स्टेट्स वाला कौन करती ना से गोटे ग्रुप ऑफ पीपल को भी सिंगुलर यूज करती कितु ब्रिटेन वाला कौन करती ना से ग्रुप ऑफ पीपल को प्लुराल ही यूज करती तो दुईटा सारा लिखले ठीक हम जमती कि इंडिया हैज बीन डूइंग वेल दिस मैच से सिंगुलर हिसाब से यूज कर यूनाइटेड स्टेट्स वाला कौन ना इंडिया हैज बीन डूइंग वेल दिस मैच तो ब्रिटिश मैंने कौन कहे दैट द टीम इंडिया हैव बीन डूइंग वेल दिस मैच से माने इन टीम इंडिया रो टीम रो सब प्लेयर को प्लेयर आउ तांको स्टाफ मानको पूरा प्लुराल नियंती से माने अमेरिका हिसाब रे सिंगुलर नियंती नाही एटा गुटे छोटो माने रहिछि यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम भितरे आउ भितरे छोटो फाइट गुटे रहिछि जे कहारो इंग्लिशटा केते ठीक केते भूल इंग्लिश गुटे एमती लैंग्वेज जोटा रे भूल भी बहुत ठीक भी बहुत किंतु भूल बहुत मात्रा रे थाए बेले 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 प्रोनाउंसिएशन रो भी भूल रही जाय थाए मु गोटे क्वेश्चन लास्ट रे पचारि देखिया जदि टाइम हबो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जीबा नेक्स्ट कौन अछि ना जेरांड्स जेरांड्स कौन ना जेरांड्स होउछि सब नॉन आइडेंटिकल नाउन है माने सब तो कौन लिखा है ना जेरांड्स आर नाउन्स दैट आर आइडेंटिकल टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ए वर्ब मुझे गोटे कहली तो ये कौन लिखा है ना जेरांड्स आर द नाउन्स दैट आर आइडेंटिकल आर द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ ए वर्ब तो जेरांडटा कौन ना गोटे वर्ब अच्छी धरा जाऊ डांस तो डांस रो आईएनजी पार्ट्स पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल टा कौन ना डांसिंग तो डांसिंग टा कौन डांसिंग टा एठी गोटे जेरांड जमती आमे कहचे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग एठी सिंग टा होची भार सिंगिंग होची तार जेरांड फॉर्म पार्ट्स पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सॉन्ग टा होची आमे जोटा गाउचे तापर एठी समती भार कौन गोटे एग्जांपल दिजे ना आई एंजॉय स्विमिंग मोर देन रनिंग मु पहरिबाटा को बेसी एंजॉय करे दौड़ीबा अपेक्षा मुठी कहनी जे मु दौड़ुची को पसंद करुची माने मु पहरुची को पसंद करुची दौड़ुची अपेक्षा एटी सेटा यूज हैनी एटा कोन यूज होची ना मु पहरिबा को पसंद करे दौड़ीबा अपेक्षा तो एटी स्विमिंग जो देची स्विम रो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल रनिंग जो देची रन रो प्रेजेंट पार्टिसिपल आ एउडा सब कोण ना जेरांड तो आज आमे एति की पढ़िले कोण कोण पढ़िले जेरांड पढ़िले प्रॉपर नाउन पढ़िले करेक्टिव नाउन पढ़िले ब्रिटिश इंग्लिश विषय रे टिके जानिले नाउन विषय रे जानिले प्रथम तो आज आज नाउन रो फर्स्ट क्लास एतकी थिला नेक्स्ट क्लास रे आउ किछि टाइप ऑफ नाउन विषय रे आमे जानिबा तीनटा क्लास नबा तीनटा क्लास रे नाउन सारिबा नेक्स्ट क्लास गुड़ी करे नेक्स्ट टॉपिक धरिबा तो चलो आज सब्जेक्टिव को एटी सारिबा तो मते किछि कमेंट आसथिला जे साइंस पिला मान को भी पढ़ांतु तो मु कह दो अपन चाहू छी इटा जे खाली आर्ट्स पिला मान को हेल्प करबो सेटा नै साइंस पिला माने भी एटु बहुत किछि सिखि परिबे आउ साइंस पिला मान को जदि कहिबो निहाती अलगा क्लास करबा किंतु आगे इटा ए मान को क्लास टा सारि दबा से एते पर्यंत तुमे माने एठो भी काम करि परिबो माने काम चले परिबो काम चले परिबो नै निहाती एटा तुमन को पई इंपोर्टेंट तो आउ गोटे कमेंट आसिला ना कोनो
जे अनसीन पैसेज साइंस पिला मान करो अनसीन पैसेज क्लास करिया पाए तो जड़े मत कही अनसीन पैसेज डी जी सार करवार थिला तो डी जी सार मत कही से पूरा इंग्लीशटा मुझे देखीदेवी फिलहाल तो आम अनसीन पैसेज को आम स्किप कर सारे तो सेटा तो एबे हेई परबोनि एटा सारिला पोरे जाई कि आमे अनसीन पैसेज को जिबा किंतु मते जण कमेंट रे पचारथिले जे साइंस पिला मानन को पाई पांचटा क्लास वाला माने पांचटा क्वेश्चन थेवा वाला किछि अनसीन पैसेज तो निहाती एटा सरिला पोरे एई एई बैचटा सरला पोरे निहाती तम मानकर अनसीन पैसेज होबो समस्त पई होबो सेटा सेटारे आमे निहाती अनसीन पैसेज डिस्कस करिवा तो डोंट वरी आजिरो ए क्लासटा सरीछि देखा हो नेक्स्ट क्लास टिल देन स्टे होम स्टे सेफ कोरोना ठू दूर रुहतु जदि भिडी पसंद आसो मो पाठपढ़ा पसंद आसो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करूँ साइ स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करूँ टिल देन गुड बाय।